लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। देखो भाई, आज के बाद किसी को मत कह देना कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देने के लिए, नहीं तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, अगर किसी के अंदर आप काम करते हैं तो जॉब भी गंवानी पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि और इसको पॉलिटिकल एजेंडा भी बना दिया जाता है। वाह, नए भारत में किसी को ये कह दो कि पढ़े लिखे नेता को वोट देने के लिए, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा हो जाता है। आदाब, मैं साजिद कलीम, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। आप तक अनइंस्टॉल अनअकैडमी एक्स यानी ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा और बड़े बड़े नेता भी इस ट्रेंड में कूद पड़े। एजुकेशनल कंपनी अनअकैडमी ने अपने एक टीचर को सस्पेंड कर दिया। टीचर का नाम करण सांगवान है। कुछ दिन पहले करण का पढ़ाते समय एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने स्टूडेंट से आने वाले चुनाव में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट देने की अपील की थी। मात्र इतना अपील की थी, लेकिन आपको बता दें कि करण का वीडियो 13 अगस्त को एक्स पर शेयर किया गया था। वीडियो में पढ़ाते हुए उन्होंने कहा था, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि बहुत सारे वेयर एक्स, बहुत सारे कैश लोट्स, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए। ये टीचर कह रहे हैं, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो तो किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक, चलो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुनो जो पढ़ा लिखा हो, जो समझ सके चीज़ों को। ऐसे इंसान को ना चुने जिन्हें सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो। अपना नाम, अपना फैसला सोच समझ कर लें। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई। उन्होंने कमेंट कर करण को सस्पेंड करने की बात कही। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, क्या पढ़े लिखे लोगों को वोट देने की अपील करना अपराध है? यदि कोई अनपढ़ है, व्यक्तिगत तौर पर मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि अनपढ़ नहीं हो सकते। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। 21वीं सदी के आधुनिक भारत का निर्माण अनपढ़ जनप्रतिनिधि कभी नहीं कर सकते। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर जो वरिष्ठ पत्रकार अभिषार शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, अनपढ़ बोला तो भाजपाइयों को बुरा लग गया, नौकरी से निकाल दिया। उसी अनअकैडमी का सह संस्थापक खुलकर बीजेपी की जी हुजूरी करता है। अशोका यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं, इस्तीफा ले लिया। ये एक शिकंजा किस बात का, इतना डर किस बात का? इतिहास में ऐसे लोगों को कायर के नाम से जाना जाएगा। ये शौर्य नहीं, तुम्हारी मायूसी है। वहीं INLD के जनरल सेक्रेटरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पढ़े लिखे नेता को वोट देने की बात कहने वाले हिसार के टीचर करण सांगवान को अनअकैडमी ने नौकरी से निकाल दिया। एक तो यह सरकार रोजगार देने में पूरी तरह नाकामयाब है, दूसरी ओर युवा अपनी मेहनत से नौकरी हासिल कर ले तो उसे नौकरी से निकलवा देते हैं। करण बेटा, हमें आप पर गर्व। ये अभय सिंह चौटाला का शब्द था। दोस्तों, आप इस सब मुद्दे को किस प्रकार लेते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। और जनता की आवाज़ अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ले, और यूट्यूब पे बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि हर अपडेट आपको मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।